बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कायनात में बहुत सारी चीज़ों को फजीलत से नवाजा है, लेकिन कुछ उन चीज़ों में ऐसे अफराद भी होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला सरदारी का शर्फ अता करता है। तो मसलन देख लें, अरब को, अरबों को अल्लाह ताला ने दुनिया के बाकी खितों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने खास फजीलत और आजमत दी है, लेकिन अरबों में अगर सबसे ज्यादा फजीलत मिली है और फिर ऐसी फजीलत को जो सारी कायनात पर उनको फजीलत मिली है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सरदार बनकर आशीन है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो फारस वालों में अगर फजीलत पाई है बहुत सारों ने, तो उसमें हमें फजीलत में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक जुदा मकाम नजर आता है। रूम वालों ने अगर बहुत सारों ने अजमत पाई है तो सुहेब रूमी का मकाम सरदार की हैसियत से हमें नजर आता है। हबशा के लोगों में अगर बहुत ज्यादा अजमत पाई है तो उन हबशा के लोगों में हम बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम देखें तो वह एक सरदार है हबशा के। और शहरों में अल्लाह ताला ने बाद शहरों को अजमत दी है, तो उन शहरों में अगर हम देख सकते हैं तो मक्का सारे शहरों का गोया सरदार है। और वादियों में अल्लाह ने अगर अजमत दी है तो बिलवादी मुकद्दस दुआ बैतुल मुकद्दस वाली वादी को अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत से नवाजा है। और दिन दिन सारे अल्लाह के हैं, अजमत वाले हैं। और दिनों में सैयदुल अय्याम अल्लाह ने अगर किसी को बनाया है सरदार तो जुमा है। रातें सारी ही सरदार है, अगर उन्हें देखा जाए तो शबे कदर या मुजल्फा की रात भी कह सकते हैं वो सरदार रात है। और सारी ही किताबें अल्लाह ने उतारी हैं, चार किताबें इंसान की हिदायत की, लेकिन इसमें जो सबसे सरदार किताब है सैयदुल कुतुब कुरान करीम है। सहीफे सहीफों की सैयदुल कुतुब सहीफों किताबों की सरदार। कुरान सारा का सारा कमाल का और एजाज का कलाम है और अजमत का अजमत वाला कलाम है, लेकिन कुरान करीम में हम देखते हैं कि सूरह बकरा का अपने ही एक जुदा मकाम है, सैयदुस्सुवर सूरतों में सरदार है। और इसी तरह इसमें अल्लाह ताला को ये सारे शोबे बयान करती हैं। फिर सूरह बकरा में सारी आयतें अजमत वाली हैं, लेकिन हम देखते हैं आयतुल कुर्सी सैयदुल आयात में नजर आती है। और पत्थरों में अल्लाह ने पत्थरों को मकाम अजमत दी है, और उनमें अगर हम देखें तो हजरे अस्वद का मकाम सबसे जुदा है, सरदार है। फिर कुआं, उसमें अल्लाह ताला ने चाहे जमजम, जमजम का कुआं सबसे अजीम करीन अजमत पाने वाला। और इसी तरह जो है आसा डंडों में, उसमें सबसे ज्यादा अजमत वाला डंडा मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। फिर मछलियों में अल्लाह ताला ने हूद यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेने वाली महफूज रखने वाली मछली जिसका जिक्र कुरान कर रहा है। ऊँटनियाँ सारी अल्लाह की हैं, लेकिन नाकतुल्ला सारे इस्लाम की खास ऊँटनी जो अल्लाह ने खास कुदरत से बनाई थी, एक पत्थर से चट्टान से दस्मा की गवानी वो सरदार है। फिर इसी तरह घोड़ियाँ सारी ही, लेकिन बुराक जो आपको लेने आया था खास वो सवारी। और इसी तरह जो है अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो है सारी अंगूठी भी सरदार आ रही है। अब इसको देख लें, या आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी जिस पर आपने अपना अपनी मोहर कंदा की होती थी वो फिर सारी अंगूठी भी सरदार है। इसी तरह महीने सारे ही अल्लाह के हैं, लेकिन इन महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान सरदार का सईद शुरूर जो है वो सारे महीनों का सरदार। और ये अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों को यानी अजमत सब बहुत सारी चीज़ों को बता दी, लेकिन इसमें सरदारी वाली अजमत अल्लाह ताला ने बाज़ अफराद को अल्लाह ताला ने बता दी।